अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं माजिद टीवी गेस्ट हाउस और मैं आपका अपना होस्ट मोहम्मद माजिद। दोस्तों, ये एक छोटा सा स्टॉल है चिप्स का जो कि शाम भाई का है। मैंने इनसे चिप्स खाई है और मुझे चिप्स बहुत अच्छी लगी है। तो आइए आज ना हम इनसे चिप्स बनाने का तरीका सीखेंगे और मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ भी ये तरीका शेयर करूँ ताकि आप भी अपने बच्चों के लिए ये चिप्स बना सकें और उनको खिला सकें। तो आइए शाम भाई से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये आज हमें अपनी चिप्स बनाने का तरीका सिखाएंगे। तो सबसे पहले श्याम भाई से सलाम ले लेते हैं। श्याम भाई सलाम अलैकुम, क्या हाल चाल है आपका। श्याम भाई, आपको कितनी देर हो गई ये काम करते हुए। तकरीबन 4-5 साल हो गए। आपने, मैंने सुना कि पीसी में भी काम किया, पर्ल कॉन्टिनेंटल में। 3 साल का एक्सपीरियंस है एज अ शेफ जो था वहाँ पे। कितनी देर आपने वहाँ पे काम किया। 3 साल वहाँ काम किया है पीसी लाहौर में, वहाँ पे एज अ शेफ मेरा। तो ये किसने आपको ये आइडिया दिया चिप्स बनाने का। ये तो मेरा अपना मीन्स कि एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। एक जॉब ठीक है, लेकिन जॉब में आप अपने एक्सपेंस को नहीं पूरा कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। तो ठीक है, लेकिन बिजनेस ये है कि आप इसमें आगे जा सकते हो। स्टार्ट एक छोटे शेफ से लेना चाहिए, मैंने वही किया, एक छोटे शेफ से स्टार्ट किया है। तो इंशाल्लाह आता आता वैरायटीज जो उनकी बंदा ऐड कर। ये श्याम भाई ने एक छोटा सा सेटअप शुरू किया है, तो आप सब भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत डाले। मैंने इनकी चिप्स खाई है तो इनके हाथ में माशाल्लाह बहुत टेस्ट है। तो श्याम भाई, आपने पूरी रेसिपी बतानी है ताकि आपके व्यूवर्स देख सकें और इंशाल्लाह ताला व्यूवर्स देख के आपकी शॉप भी विज़िट करेंगे। अगर आप इनकी हाथ की बनी हुई चिप्स खाना चाहते हैं तो आपको इनका एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए श्याम भाई शुरू करें। सबसे पहले हमने पोटैटो लिया है, इसको बिस्मिल्लाह। पहले सर जी, हमने पोटैटो लिया है, पिल कर लिया इसको। ठीक है जी, पहले श्याम भाई कह रहे हैं कि आलू को छील लेना है बड़े साफ़ सुथरे तरीके से। ठीक हो गया, और एक पोटैटो बीच में रखा हुआ है और ये मशीन के जरिए निकाल लिया जी। ये मशीन के थ्रू उन्होंने काट लिया। और ये ले, ये आपकी शेप बन जाएगी खुद ही। ठीक हो गया, ये देखें जी कितनी अच्छी कटिंग हो गई है माशाल्लाह। मैं अगर आपको करीब से दिखा दूँ होगा, ये देखें कितनी नफासत से कट गए हैं। ये सारा मशीन का कमाल है। मशीन ने भी आजकल ना इंसानों की ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है जी। इसके बाद क्या करेंगे आप। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर है हमारा, उसमें मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ है। ठीक है जी, इसमें क्या है, ये मकई का आटा, वैसे जो लोग यूज़ करते हैं कॉर्न फ्लोर भी करते हैं, लेकिन एक मकई का आटा एक जो हाइजीनिक चीज़ है, इस वजह से मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। और जी सबसे पहले आपने क्या डाला है इसके अंदर। मकई का आटा है। ठीक है, मकई का आटा। उसके बाद, उसके बाद में मैदा और ये कॉर्नफ्लोर रखा हुआ है, दूसरे वाला जो सिंपल कॉर्नफ्लोर का पैकेट मिलता है। ठीक है, ठीक हो गया। और इसके बाद है साल्ट, नमक। ठीक है, ये पड़ा हुआ है मेरे पास। नमक जरूर ऐड करना है, उससे आपकी चीज जो टेस्ट है ना वो ओके हो जाएगा। ठीक हो गया, साल्ट आपने जरूर ऐड करना है। श्याम भाई कह रहे हैं कि नमक आपने लाजमी ऐड करना है जब आपने इसको मैरिनेट करना है अच्छे तरीके से। ये देख लें कितने अच्छे तरीके से इन्होंने मैरिनेट किया हुआ है। जो साइज़ है ना वो बड़ा होना चाहिए पोटैटो का, ताकि आपका फिंगर जो चिप्स हैं वो लंबी निकले और अच्छी निकले और वो उसका प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए जी। ये बेस्ट टिप है ये प्रेजेंटेशन के लिए भी और टेस्ट के लिए भी। देख के लेना है आलू की मेन चीज़ होती है आलू। अगर आप आलू अच्छा नहीं लोगे तो आपकी चिप का टेस्ट अच्छा नहीं होगा। ठीक हो गया, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर है हमारा प्राइस हमने मैरिनेट कर ली है। ठीक है, बेहतरीन काम ये होता है कि हम उसको हाफ डन करके रख लें, मीन्स कि आधा पका के रख लें। उससे ये होगा कि हमारा टाइम भी बच जाएगा और कस्टमर को भी चीज़ जल्दी मिल जाएगी। ठीक, इसीलिए मैंने हाफ डन करके रखी हुई है। ये मेरी फ्राइज पड़ी है हाफ डन, और अब इनको हम फुल डन करने के लिए मैं आपको तरीके का बताता हूँ। ये जितना ऑर्डर आए उसके मुताबिक आप फ्राइज को उठाएं, जितना ऑर्डर हो उसके मुताबिक आपने फ्राइज को उठाना है और अपना ऑर्डर जो है वो यस कर देना। तो गाइस, ये आपका टाइम बचाने के लिए हमने पहले ही हाफ फ्राई ना करके रख लिया, और बता कि आपका टाइम कम से कम लगे वीडियो देखने में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाजमी लाइक कीजिएगा, कमेंट में लाजमी बताइएगा क्योंकि आपको वीडियो में ही। और ऑयल हमने गर्म कर लिया हुआ है, ऑयल देख लेंगे। देखें ऑयल पहले ही गर्म है, आपको ये देखें जैसे डाला है तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ऑयल गर्म है। तो ये दो प्लेटें श्याम भाई ने डाल दी हैं और इसको हल्का सा ही ला लेंगे। इसके बाद अब ये स्टीम पे लगा दिया। ठीक है, अब ये स्टीम पे लगा दिया। कितनी देर स्टीम पे लगाना है। 3 से 4 मिनट में आपकी फ्राइज रेडी होगी और आप ऑर्डर दे सकेंगे आगे। ये साथ वाले देशके में आपने क्या रखा हुआ है। इसके अंदर सूप है और यखनी है। ठीक है, और इसके अलावा जो मेन चीज़ है ये मायो।
जो गार्लिक फ्राइज के साथ हम दे रहे हैं मायो, ये मायो खुद बना रहे हैं और इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपी आपको जल्दी देंगे। ठीक है, मायो मेयोनीज बनानी कैसे है? कैचअप वो आपको बाइट से मिल जाएगी और गार्लिक सॉस ये भी आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो ये भी बन सकती है, इसकी भी आपको रेसिपी मैं दे दूँगा। फिलहाल हमारी फ्राइज तक की थी और इंशाल्लाह ये फ्राइज डाल दी है, जिसको आप ये देखें शेप में आने लगी है, जल्दी श्याम भाई ब्राउन हो गई है बिल्कुल। ऐसे ये हाफ डन करके रखी हुई थी ना, उसकी वजह से काम जल्दी हो जाता है। तो ये कितनी दफ़ा इसको हलाना पड़ता है फिर? बस ये साथ साथ चेक करते रहे आराम से। अभी ये स्टीम लग गया और एक मिनट में ये फ्राइज रेडी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, अब कट कर इसको श्याम भाई चेक कर लेंगे साथ ही ना लग जाए। हो गया है, अच्छा हो गई है माशाल्लाह, बिल्कुल रेडी हो गई। ये कितनी मिनट में हो गई है तैयार? ये ज़्यादा 3 से 4 मिनट लगे हैं इसको रेडी होने में। गरम ऑयल हो, गरम ऑयल को हमेशा गरम रखना है। हाफ डन के बाद 3 से 4 मिनट लगेंगे, आपका एक ऑर्डर रेडी हो जाएगा। ठीक है, कस्टमर को चीज़ भी गरम मिलेगी और टाइम भी बचेगा। तो श्याम भाई आपने छोटा सा सेटअप कितने पैसों में स्टार्ट किया है? ये तकरीबन मेरा जो है 30,000 से 35,000 था, क्योंकि मेरा अगर छोटा करना चाहूँ ये दरअसल मैंने चेयर वगैरह भी नहीं है, अपना फिटिंग का सेटअप भी बनाया है, बाकी सब चीज़ें भी की है, इसलिए 30,000 तक किया है। ठीक है, नहीं तो अगर आप सिर्फ काउंटर तक की हद में जाएंगे आपका 20,000 में आराम से आपका स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप आस्ता आस्ता जो चीज़ें वगैरह ऐड करना चाहें वो साथ साथ कर। सही है, ये हो गई है बिलाल भाई, बिल्कुल माशाल्लाह कलर तो बहुत प्यारा हो गया। ये देखें आप इसका कलर देखें, अच्छे से इसका ऑयल स्टेन कर ले, देखिए इसके ऊपर से ऑयल स्टेन हो गया, खुशक हो गया ऑयल। तो ये आपने प्लेट के ऊपर क्या बिछाया है? ये बटर पेपर है जो शॉर्मा वगैरह के लिए भी है, ये इसलिए है कि प्लेट भी गंदी नहीं होगी आपकी, आपके सफाई का भी आपको मसला नहीं होगा, सिर्फ आप ऊपर से खाएंगे और इसको डस्टबिन में फेंकेंगे। ठीक है, ये डाल ले, देखो ये मेरे 2 ऑर्डर थे वो मैंने ऑर्डर अपने रेडी कर लिए हैं। ठीक है, आप इनको प्लेटों में सर्व कर लेंगे बिल्कुल। उसके बाद मसाला डालेंगे। मसाला ये कौन सा है? ये आपको मसाले वाली शॉप से मिल जाएगा, ये फ्राइज का मसाला होता है, ये आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये चाट मसाला नहीं है, ये फ्राइज के लिए स्पेशल मसाला होता है, ये आपको वहीं से मिल जाएगा शॉप से मसालों वाली। ठीक है, ठीक हो गया। अब उसके बाद ये केचप, मेन चीज़ होती है आपकी प्रेजेंटेट, आप चीज़ को प्रेजेंटेट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मेन चीज़ आपका जो है ना दारोमदार सारा इस चीज़ पे होता है, आप जितनी अच्छी तरीके से प्रेजेंटेट करेंगे आपकी चीज़ उतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी, गुड लुकिंग होगी और वो सेल आउट भी अच्छी होगी। ये देखिए माशाल्लाह जी, बहुत मज़े की लग रही है, जल्दी से इसको फिनिश कर दें फिर हमने खानी है। ये आपकी हो गई, ठीक हो गया, और ये आगे लास्ट पे चिली, ये ले जी, ये आपकी प्लेट रेडी हो गई है फॉर कस्टमर के लिए जी। ठीक है गाइस, अब हम चिप्स इंजॉय करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही हज़ारों वीडियोज़ और लेके आने वाला हूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर गाइज़, अल्लाह हाफिज़।